1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से मिलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे ब्रिटिश काउंसिल की सहमति के बिना परमवीर चक्र की स्थापना को मंजूरी दें, क्योंकि भारत अभी भी डोमिनेंट था और किंग जॉर्ज सिक्स से परमिशन लंदन से जरूरी थी। फिर भी उन्होंने इसे रोक रखा क्योंकि वे राष्ट्रमंडल के दो देशों के बीच युद्ध के लिए एक पुरस्कार को मंजूरी देने के लिए निश्चित नहीं थे। राजगोपाल आचारी ने कुछ देर सोचने के बाद 26 जनवरी 1950 तक प्रतीक्षा करने का सुझाव दिया, क्योंकि भारत एक गणतंत्र बन रहा था और अपने पुरस्कारों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत होगा। उस डिस्कशन के बीच राजगोपाल आचारी ने परमवीर चक्र का ब्लूप्रिंट अपने हाथों में लिया और पूछा कि इसका डिजाइन किसने बनाया है। क्या आप जानते हैं कि हमारी सेना का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र किसने डिजाइन किया है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1913 में। 29 जुलाई 1913 को ईवा योवेन का जन्म होता है नेचटेल स्विट्जरलैंड में। उनके फादर एक हंगरियन मैन थे और मदर रशियन। ईवा के जन्म के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण उनकी मां की डेथ हो जाती है। उनके पिता आंद्रे, जो कि सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे जेनीवा यूनिवर्सिटी में, वे ईव के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहने लगे। आंद्रे लीग ऑफ नेशंस लाइब्रेरी के डायरेक्टर भी थे और इसलिए ईवा स्कूल के बाद अपना टाइम लाइब्रेरी में बुक्स के साथ स्पेंड करने लगी। उन्हें बुक्स पढ़ना और अलग अलग संस्कृति और देशों के बारे में जानना काफी अच्छा लगता था। उन्हीं दिनों उन्हें किताबों से हिंदुस्तान की संस्कृति और हिस्ट्री को जानने और समझने का मौका मिला। वो इंडियन हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ने में खो जाती। उन्हें धीरे धीरे इंडियन कल्चर इतना पसंद आने लगा कि वो कहती कि उनका जिस्म एक सुस लड़की का है पर आत्मा हिंदुस्तानी है। ईवा अब 16 साल की हो गई और शाम को अपने पिता के साथ एक दिन बीच पर घूमने गई, जहां उनकी मुलाकात कुछ यंग इंडियन सोल्जर्स से हुई। वह सोल्जर्स इंडिया से रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट यूनाइटेड किंगडम में ट्रेनिंग के लिए आए थे और ट्रेनिंग से छुट्टियों में स्विट्जरलैंड घूमने। उन सबसे मिलते वक्त और बात करते हुए ईवा गॉट अट्रैक्टेड टू एन इंडियन सोल्जर विक्रम रामजी खनोलकर, जो एक मराठी हिंदुस्तानी थे। विक्रम रामजी भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री और कल्चर में अच्छा नॉलेज और इंटरेस्ट रखते थे। दोनों इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया करते और अक्सर मिलने लगे। हालांकि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर दोनों ने ही ये बात एक दूसरे से नहीं कही और अच्छे दोस्त बने रहे। कुछ दिनों बाद विक्रम सैंडहर्स्ट अपनी ट्रेनिंग के लिए वापस आ गए, पर दोनों एक दूसरे से लेटर्स के थ्रू कनेक्टेड रहे। इन लेटर्स की वजह से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई और उन्हें ये पता भी नहीं चला कि 3 साल कब गुजर गए। विक्रम इंडिया वापस आ जाते हैं 3 साल बाद और 5/11 सिख रेजिमेंट औरंगाबाद ज्वाइन कर लेते हैं। इंडिया वापस आकर भी वो दोनों लेटर्स के जरिए कनेक्टेड रहते हैं और फिर एक दिन ईवा ये डिसाइड कर लेती है कि शी विल गेट कन्वर्टेड टू एन इंडियन। उनके पिता आंद्रे उनके इंडियन कन्वर्जन को लेकर खुश नहीं थे और वो उन्हें इतनी दूर देश भेजने को भी रेडी नहीं थे, बट ईवा ने उन्हें मना लिया एंड शी ट्रेवल टू औरंगाबाद। औरंगाबाद आते ही वो विक्रम से मिली और उन्होंने प्रपोज भी किया। विक्रम मानो इसी बात का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने झट से हाँ कर दी। पर अभी शादी में कुछ दिक्कत और बाकी थी। विक्रम की फैमिली एक कंजर्वेटिव इंडियन हिंदू मराठी फैमिली थी और वो एक स्विस लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे। पर आखिरकार प्यार करने वालों को जुदा करना आसान नहीं और ये बात विक्रम जी के घर वाले जल्दी ही समझ गए और उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। 1932 में दोनों की शादी मराठी रीति रिवाजों से हुई और ईवा ने हिंदू धर्म अपनाया और एक नया नाम लिया, सावित्रीबाई खालोनकर। वो अक्सर कहती कि उनका जन्म गलती से यूरोप में हो गया, कि वो तो हिंदुस्तान की ही है और उन्हें गुस्सा आ जाता अगर कोई उन्हें फॉरेनर कह देता। वह हिंदुस्तानी सभ्यता और इतिहास से इतनी ज्यादा आकर्षित थी कि उन्हें हिंदुस्तान के वेद पुराण और ग्रंथों को पूरा पढ़ डाला और वे अपना समय अक्सर हिंदुस्तान के इतिहास पढ़ने में बिताती। स्वतंत्रता के बाद भारत में ब्रिटिश सम्मान और पुरस्कार प्रणाली औपचारिक रूप से समाप्त हो गई,
थोड़े समय बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू और कश्मीर में चल रहे संघर्ष के लिए वीरता पुरस्कार देने का फैसला किया। हालांकि भारत और पाकिस्तान के पास अभी भी ब्रिटिश सम्मान देने का विकल्प था, लेकिन नेताओं ने महसूस किया कि विरोधी ताकतों के कर्मियों को सम्मान देने का कोई मतलब नहीं होगा। तदनुसार जून 1948 में वीरता के लिए नए भारतीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। नेहरू ने परमवीर चक्र के इंप्लीमेंटेशन का जिम्मा भारत के पहले भारतीय एडजुटेंट जनरल मेजर हीरालाल अटल को सौंपा। उन्होंने भारतीय संस्कृति, संस्कृत और वेदों के गहरे और गहन ज्ञान के कारण खनोलकर को चुना, जिससे पूरी उम्मीद थी कि डिजाइन वास्तव में भारतीय लोकाचार प्रदान करेगा। सावित्रीबाई जिन्हें संस्कृति, संस्कृत और वेदों का काफी ज्ञान था, परमवीर चक्र का डिजाइन तैयार करती है, जिससे तुरंत ही अप्रूवल भी मिल जाता है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान कश्मीर वैली पर हमला कर देता है। 31 अक्टूबर को 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट लेड बाय सोमनाथ शर्मा श्रीनगर पहुंच जाती है। सोमनाथ शर्मा के लेफ्ट हाथ में प्लास्टर होता है क्योंकि वो हॉकी खेलते हुए गिर गए थे, पर वो अपनी बटालियन के साथ ड्यूटी पर ही रहना पसंद करते हैं। 3 नवंबर को 3 कंपनियां बदगाम पेट्रोलियम के लिए भेजी जाती हैं, जिसमें से 2 वापस श्रीनगर लौट जाती हैं और सोमनाथ शर्मा की बटालियन को दोपहर के 3 बजे तक मोर्चे पर रहने के ऑर्डर्स मिलते हैं। 2:35 पर बदगाम के एक घर से उनकी बटालियन पर फायर होती है, पर वो रिटेलिएट नहीं करते, थिंकिंग अबाउट सिविलियंस। पर कुछ ही देर में 700 कबीलियाई लश्कर उन पर हमला कर देते हैं। अगर सोमनाथ शर्मा की बटालियन पीछे हट जाती तो श्रीनगर शहर और एयरपोर्ट दोनों पाकिस्तान के कब्जे में होता। यह सोचकर सोमनाथ शर्मा अपनी 100 सिपाहियों की बटालियन के साथ उन 700 कबीलियाई के साथ युद्ध में डटे रहे। जब तक कि रेनफोर्समेंट पहुंचता, कबीलियाई लश्कर सोमनाथ शर्मा की पोजीशन को क्रॉस कर जाते हैं, पर सोमनाथ शर्मा की बटालियन उन 200 कबीलियाई के लश्कर को ढेर कर देती है। इससे लश्कर की हिम्मत टूट जाती है और भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाती और भाग जाती है। सोमनाथ शर्मा शहीद हो जाते हैं और उन्हें पहला परमवीर चक्र दिया जाता है। संयोग की बात यह है कि सोमनाथ शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र शर्मा के छोटे भाई थे और सुरेंद्र शर्मा सावित्री बाई खलोनकर, जिन्होंने परमवीर चक्र का डिजाइन तैयार किया, उनके दामाद थे। अगर ये इतिहास में छुपी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को हर एक हिंदुस्तानी को जरूर भेजना और उन्हें भी गर्व करने का मौका देना। धन्यवाद। बाय बाय।